हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मावा की आइसक्रीम, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। गैस पर मैंने पैन चढ़ाया है और उसके अंदर 2 गिलास मैंने फुल क्रीम दूध डाला है। अब गैस को ऑन कर दिया है और इसे लगातार चलाते रहेंगे। और देखिए, अब इसके अंदर उबाल आ चुका है। हमें एकदम गैस को हाई करके इसे उबालना है। जब दूध थोड़ा सा जल जाए, फिर हम इसके अंदर 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे फिर मिलाएंगे। देखिए, दूध में फिर से उबाल आ चुका है। हमें ऐसे ही उबाल उबाल के इसे गर्म करना है। फिर मैंने इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और फिर हम इसे उबालते रहेंगे। मैंने इसके अंदर 100 ग्राम मावा का यूज़ किया है। इससे जो आइसक्रीम बनती है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने इसके अंदर 1 छोटी कटोरी से नारियल का बुरादा डाला है और इसे भी मिलाते रहेंगे। और मैंने इसके अंदर 1 चुटकी फूड कलर का इस्तेमाल किया है और फिर हम इसे दोबारा मिलाएंगे। और मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी डाला है। चीनी अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे मिलाते रहेंगे। मैंने 1 चम्मच मैंगो कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसमें पानी मिलाकर हम इसे दूध में मिक्स कर देंगे। तो जो हमारा दूध है, देखिए अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसे पकाने में मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं। अब हमारा बैटर एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है। कटोरी के अंदर मैंने ये बैटर को डाल दिया है और इसके ऊपर फॉइल पेपर से हम इसको कवर कर देंगे और इसे 7 से 8 घंटे के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे। और देखिए, 7 से 8 घंटा हो चुका है, हमारा आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। देखिए कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।